स्लाइड मास्टर आर ऑल्सो अवेलेबल इन पावर पॉइंट ऑल्सो बट स्लाइड मास्टर आर अवेलेबल इन इम्प्रेस ऑल्सो बट देर इज अ डिफरेंस ठीक है. इम्प्रेस में थोड़ा सा फीचर्स कम है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर यूज करने के लिए फीचर्स ज्यादा है. बट मेन पर्पज क्या है स्लाइड मास्टर का, व्हेनेवर वी हैव मल्टीपल स्लाइड्स इन आवर प्रेजेंटेशन ठीक है. मैम आपकी वॉइस फट रही है. अब ठीक है, अब ठीक है. यस मैम. ओके, व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल स्लाइड्स ऑफ सेम लेआउट इन अ प्रेजेंटेशन, जैसे टाइटल एंड कंटेंट है, मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो सिर्फ टाइटल एंड कंटेंट लेआउट की हैं, जिसमें हम टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं. That can be formatted by using the slide master only once. Okay. Here I'm going to change the view. I'm going to change the layout to title and content. Because in Impress we are having the slide master for title and content layout only. ठीक है. व्हेनेवर वी आर हैविंग मल्टीपल स्लाइड, सारी स्लाइड्स में मुझे सेम हेडिंग चाहिए, फॉन्ट सेम चाहिए, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट टेक्स्ट बॉक्स का कलर, टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन कलर, या मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है जो मुझे सारी स्लाइड्स पर चाहिए दैट इमेज, या मुझे ऐसा कोई बुलेट का स्टाइल है जो सारी स्लाइड्स पे कॉमन होना चाहिए. जितने भी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स मेरी होंगी, लेआउट वाली स्लाइड्स होंगी, सब में सेम काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग चाहिए. वन वे इज ठीक है, आप डुप्लीकेट स्लाइड करते जाते हो, बट इवन देन आपको अगर बाद में चेंज करना पड़े किसी का कि ठीक है मैंने डुप्लीकेट स्लाइड करके 5 स्लाइड्स बना ली, बट इवन देन मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मुझे इसका कलर चेंज करना है, सो दैट मींस यू हैव टू डू इट 5 टाइम्स फॉर सेम. बट इफ यू डू द फॉर्मेटिंग इन स्लाइड मास्टर दैट विल अप्लाई, दैट विल हैव इफेक्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स हैविंग द सेम लेआउट ठीक है. You have to once, आपको सिर्फ एक बार फॉर्मेटिंग करनी है स्लाइड मास्टर में, उसके बाद जितने भी इन स्लाइड्स बनाएंगे they will have the same formatting. Clear? Okay, let's begin. How to do, go to the slide master, view menu, master, slide master. This is giving me the title and content layout. आपको यहाँ कुछ भी टाइप नहीं करना है. पहली बार मास्टर व्यू में यू आर नॉट गोइंग टू टाइप एनीथिंग, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है ठीक है. एंड आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो. लाइक मैंने इसका आपको लाइन कलर देना है, आई कैन गिव द लाइन कलर, गिव द लाइन विड्थ, चेंज द फिल कलर, ग्रेडियंट और सिंगल कलर ठीक है. Okay, then you can change the font. This is the font या font size change करना है. Size, bold, underline, जो भी आपको चीजें करनी है formatting से related. Then select this, give the bullet, change the bullet style. You can go to the format menu, bullets and numbering, graphics. I want this. क्लिक ऑन ओके, इट्स अप्लाई टू ऑल द लेवल्स, सारे लेवल्स पे आ रही है. इफ यू वॉन्ट टू चेंज यू कैन गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, बुलेट्स एंड नंबरिंग, देन कस्टमाइज लेवल्स, चूज फर्स्ट लेवल, गो टू ग्राफिक्स, चूज द ग्राफिक दैट यू वॉन्ट, देन कस्टमाइज, गो टू सेकेंड लेवल, ग्राफिक और नंबर जो भी आपको चाहिए इसके लिए. आई एम गोइंग टू ग्राफिक, चूजिंग द सेकेंड ग्राफिक, क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी अलग अलग आ गई बुलेट, देन यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट, यू कैन गिव द साइज, यू कैन हैव द फॉन्ट, कलर, फॉन्ट कलर, अगेन ऊपर फॉर्मेट यहां पर भी आपका कलर ठीक.
then you are having slide number, footer, and date and time. If you want to insert any of these objects, you can click on number. You can go to the format menu, insert menu, page number. Here you are having options, date and time, fixed date and time insert करनी है कोई particular date, आप चाहते हो कि वही date आए सारी slides पर, तो आप यहाँ पे date enter कर सकते हो. If you want variable, variable means system date. ठीक है, whatever date is set in the system, अगर system की date correct set है, आपकी day wise change हो रही है, तो it will have the system date. ठीक है, footer, footer में क्या text display करवाना है? सपोज मैंने अभी सिर्फ एक ही लगाया, हेलो लगा दिया. आप टाइटल लगा सकते हो, टॉपिक प्रेजेंटेशन का नेम लगा सकते हो. ठीक है, स्लाइड नंबर. नाउ इफ यू वांट, डू नॉट शो ऑन फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड टाइटल होती है, मुझे उसमें स्लाइड नंबर या फुटर या डेट एंड टाइम नहीं चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, डू नॉट शो ऑन फर्स्ट स्लाइड. क्लियर? एंड क्लिक ऑन ओके, अप्लाई टू ऑल और अप्लाई. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नंबर हो गया, फुटर हो गया, डेट एंड टाइम. यहाँ पे फुटर टाइप भी कर सकते हैं. अप्लाई टू ऑल, मैंने भी अप्लाई किया, वैसे आई थिंक हुआ नहीं. नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट, आप इतना भी चेक कर सकते हो. अगेन व्यू में गए, नॉर्मल, यहाँ देखो. ठीक है, सपोज लेआउट चेंज करो, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. टेक्स्ट नहीं, टाइटल लेआउट नहीं चाहिए. दिस स्लाइड मास्टर इज अप्लाइड ओनली टू टाइटल एंड कंटेंट इन इम्प्रेस, बट पावर पॉइंट में यू कैन हैव द मल्टीपल लेआउट्स. वहां पे अलग अलग लेआउट्स के लिए अलग अलग स्लाइड मास्टर बन सकता है. ठीक है, अगर वहां पे आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइटल एंड टू कंटेंट वाली स्लाइड ज्यादा है, तो आप ऐसा स्लाइड मास्टर यूज कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू टाइप, सपोज मेथड्स टू सेव अ फाइल. Go to this. यहाँ पे मैंने fill color नहीं दिया था, fill color नहीं आ रहा है. ठीक है, then suppose control plus s, save button on quick access toolbar. then suppose इसमें अगर आप tab key press करोगे तो क्या आएगा? next level, next level. ठीक है, shift plus tab press करेंगे तो previous level. ठीक है, बुलेट चेंज हो गई थी. अगर नेक्स्ट लेवल होता टाइप करते तो बुलेट चेंज हो जाती. देन शिफ्ट प्लस टैब, आई एम गोइंग टू फाइल टैब और फाइल मेन्यू, सेव ऑप्शन. यू कैन ट्राई इट साइड बाय साइड. नाउ इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. जस्ट अ मिनट, न्यू स्लाइड आपकी अप्लाई होगी टाइटल एंड कंटेंट, क्योंकि स्लाइड मास्टर किसके लिए है? टाइटल एंड कंटेंट. Now you can have this. Similarly, you can go back to the slide master again. Now I want to fill color in it. Suppose this color I had applied. I'm changing the font color to white, like this. ठीक है, आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन इमेज ऑल्सो. मुझे कंपनी का लोगो लगाना है जो हर स्लाइड पे आना चाहिए. यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल. यू कैन चूज एनी पिक्चर, ठीक है, टॉप पे लगानी है. प्लेसमेंट आपकी जहां होगी वहां कर सकते हो. पिक्चर की जो भी फॉर्मेटिंग है दैट यू कैन ऑल्सो डू बाय डूइंग द आउटलाइन सेक्रा. देन गो टू द क्लोज क्लोज मास्टर व्यू. नाउ यू कैन सी इन दिस फर्स्ट स्लाइड, इन दिस सेकेंड स्लाइड changes has been applied. ठीक है, got it? Definition book में underline करो, what is slide master? हाँ जी धीरेन, what you were asking?
मैम जो आपने सेव ऑप्शन के बाद सेव बटन पे क्लिक किया था तो उसमें बीच में एक एरो बनाया था, तो वो कैसे करते हैं? ये दिस इज वेरी यस इजी. मैम। लिसन, वर्ड के पास स्पेस होनी चाहिए. जैसे मेन्यू के पास स्पेस मैंने बंद दी है, आपके पास माइनस साइन होता है, हाइफन साइन होता है, प्रेस इट यस मैम। टू टाइम्स प्रेस करो, देन ग्रेटर देन साइन. ठीक है, गिव स्पेस, इट विल टर्न टू एरो. ऑटो करेक्ट है ये. ओके टू माइनस टू हाइफन प्लस ग्रेटर देन साइन विदाउट एनी स्पेस, वन टू ग्रेटर देन. ठीक है, अब स्पेस दोगे वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा. हाँ जी, लास्ट टॉपिक है, मैंने पहले करा दिया. सिमिलरली यू कैन गिव एनिमेशंस आल्सो ऑन स्लाइड मास्टर. व्हाटएवर एनिमेशंस और एनिमेशंस यू विल गिव टू द टेक्स्ट दैट विल बी अप्लाइड टू ऑल द थिंग्स. पेज नंबर शुरू में हाँ जी, क्या डेफिनेशन दी है स्लाइड मास्टर की? 103 पे नहीं है. ये पेज नंबर 206 पे है, बॉटम पे हेडर फुटर के नीचे. Every slide is based on a slide master. The text, pictures, tables, fields, and other objects that you place on slide master are visible as a background on the all the slides that are based on that slide master. Okay? हाँ, slide master is a design theme used for slides within a presentation. That means here you are creating your own theme that will be applied to all the slides having the same layout. Okay, slide master, you are having three types of slide masters in Impress. One is for slides, one is for notes, one is for handouts. Okay, design themes applicable on handouts, design theme applicable on notes. To edit a slide master, click on view menu, master, slide master, view menu, मास्टर स्लाइड मास्टर, जो कमांड मैंने अभी आपको कराई है. ठीक है, क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू आइकन ऑन द मास्टर व्यू टूल बार. दिस इज द मास्टर व्यू टूल बार दैट अपीयर्स. यू कैन क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू, इट विल गो टू द नॉर्मल व्यू, और अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन व्यू मेन्यू नॉर्मल व्यू. ठीक है, alternatively you can click on view menu normal view. underline in your books beta, commands aapko baad mein learn karni hoti hai. to edit notes master, you can click on view menu masters notes master. this will be your notes master. notes drop ke niche dekho notes ka view aa raha hai, jo speaker notes hum add karte hain. you can click here and jo bhi aapko notes ke liye color fill karna hai ya font change karna hai notes ke liye, that you can do here. So that format will apply to all the notes that you will add with each slide. Similarly, to edit a handout master, click on the handouts tab above the slide. Click on normal tab to leave the handout master. आप यहाँ से वापस उसमें जाना चाहते हैं normal view में, तो normal tab पे click करें. Okay. Close master view. You come to the normal view. Master is a three types in Impress. The master view is available for three types. Masters are available for three types. One is for slides, one is for notes, one is for handouts. Master in journal refers to the design theme applicable to multiple slides, notes, or handouts. Design theme we are creating by default. हम बना बनाया लेते हैं. That is applied to all the slides. Here we are creating the design theme by changing the font, font sizes, background colors, inserting images, changing the bullet style, changing the number style,
all the things we are designing, that will be applied to all the slides. Clear? अगर आप notes में जाके इसका sorry master में जाके कोई change कर दे तो जैसे image delete कर दी तो that will be deleted on all the slides. वो सिर्फ एक स्लाइड पे हो, हाँ वो सिर्फ एक स्लाइड पे हो. आप इंडिविजुअली हर स्लाइड को एडिट कर सकते हो, जैसे अप्लाई बाय डिफॉल्ट डिजाइन थीम अप्लाई करते हैं वो भी तो हम इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं ना. तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी आर गिविंग द फॉर्मेट दैट विल बी अप्लाई टू ऑल द स्लाइड बट वी कैन इंडिविजुअली चेंज देम. हाँ हाँ वी कैन चेंज देम. इसी प्रेजेंटेशन में सेव होगा, इसी प्रेजेंटेशन. यू कांट हैव दिस सेम स्लाइड मास्टर इन अनदर स्लाइड, अनदर प्रेजेंटेशन में नहीं, ठीक है, वहां पे अलग से दोबारा बनाना पड़ेगा. पावर पॉइंट में ऑप्शन है वैसे टेम्पलेट सेव करने, इंप्रेस में नहीं. हाँ जी, एनी डाउट, एनी डाउट? Yes, 9th class, Raghav, Simran, Subiksha, Mitansh, any doubt in slides master?